हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है। जो डिफ्यूजन है या जो विसरण है उसके द्वारा जो है लंबी दूरी तक परिवहन नहीं हो सकता है पौधों में, क्योंकि जो पेड़ हैं वो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। उनमें जो है सिर्फ विसरण के थ्रू अगर ये प्रोसेस हम कराएंगे, अगर पौधे ये करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सिर्फ जो है एक छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में ही कारगर होता है जो विसरण है। जैसे कि एक प्रारूपिक पादप कोशिका के आर पार अणु को गति करने के लिए लगभग 2.5 सेकेंड का समय लगता है। तो अब जो है पूरा पेड़ जो है इतना बड़ा सा, उसमें गति करने के लिए जो बहुत सारे दिन लग जाएंगे। तो इसलिए डिफ्यूजन जो है वो इसके अलावा भी ये सिर्फ थोड़ी सी दूरी तक जो है किया जा सकता है पौधों में, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है पानी का वो किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है जिसमें एक वाइट कलर का फूल है जिसको जिस एक कलर सॉल्यूशन में डाल दिया, और उसमें जो है वो फूल जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उस कलर वो जो कलर है वो वहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके मदद से होता है? जाइलम के मदद से होता है। तो यही अगर हम देखेंगे टहनी में, उस फूल की टहनी में, तो सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है वो कलर हो जाएगा बस, क्योंकि इसकी मदद से जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। बड़े और जटिल जीवों में जो है बहुधा जो पदार्थ है उनका परिवहन लंबी दूरी तक होता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे, तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है जो साइट ऑफ प्रोडक्शन या फिर अब्जॉर्प्शन की है, या और जो साइट ऑफ स्टोरेज है, यानी प्रोडक्शन की साइट क्या होगी, लीव्स होगी प्लांट में, और स्टोरेज जो है वो दूर दूसरी जगह होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ खाना बना है वहीं स्टोर हो रहा है। तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र है मटीरियल का, जो न्यूट्रिएंट्स का, वो जो है हाँ किसकी मदद से हो सकता है कि डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस जो है इनमें आ जाता है। यहाँ डिफ्यूजन से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे उसको पहुँचने में, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करेंगे तो ये जो है हो नहीं पाएगा। जो स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इसके लिए नेसेसरी हो जाता है, ताकि जो है जल्दी से जो तीव्र गति से जो है यहाँ पर परिवहन हो सके। जल, भोजन और भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन किए जाते हैं, जिसे हम सामूहिक या फिर थोक प्रवाह जो है मास या फिर बल्क फ्लो सिस्टम जो है हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें सामूहिक प्रवाह जो है इसकी विशेषता होती है कि पदार्थ चाहे घोल हो या फिर निलंबन की अवस्था में हो, ये जो है एक साथ ही जो है जैसे नदी में जैसे पानी बहता है बिल्कुल उसी तरह से जो है ये फ्लो होता है, मास एक साथ जो है फ्लो होता है यहाँ पे। सारे जो मास फ्लो का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी सब्सटेंस हैं उस सॉल्यूशन में या फिर उस सस्पेंशन में, वो सारे के सारे एक ही पेस में यानी एक ही गति के साथ जो है मूवमेंट करेंगे, जस्ट लाइक इन रिवर। पदार्थों की पादपों में संवहनी ऊतकों के द्वारा थोक या फिर सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बल्क मूवमेंट जो है सब्सटेंसेस का थ्रू कंडक्टिंग या फिर वैस्कुलर ट्यूब जो टिश्यूज है उनके थ्रू। अब जो जाइलम और फ्लोएम है वो हमारे वैस्कुलर टिश्यूज हैं, और यही जो है फूड और वाटर जो है और न्यूट्रिएंट्स उनका ट्रांसलोकेशन में ये मदद करते हैं हमारे, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है ये। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवण और कार्बनिक नाइट्रोजन तथा जो हार्मोन है उनको ये जड़ से वायवीय भागों तक स्थानांतरित करता है, और फ्लोएम का जो है मुख्य काम क्या होता है कि वो कार्बनिक और अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। एक तो जड़ से लेके ऊपर जा रहा है, और एक जो है पत्तियों से लेके जो स्टोरेज वाले पार्ट हैं, जो बाकी के पार्ट हैं वहाँ तक इनको लेके जा रहा है। तो फ्लोएम और जाइलम का ये फंक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि पानी जो है वो किस तरह से अब्जॉर्ब होता है वाटर में, सॉरी प्लांट में। वाटर जो है वो कैसे अवशोषित किया जाता है पौधों के द्वारा। अब हम जो है पानी कहाँ देते हैं, जड़ों में देते हैं। अगर पत्ते अगर अवशोषित करते होते हैं तो हम सीधा जो है पत्तों में पानी डाल देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो पानी का अब्जॉर्प्शन जो है वो जड़ों के द्वारा होता है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, सबको पता है। जड़ें जो है पेड़ों के लिए ज़्यादातर जल को अवशोषित करते हैं, इसलिए हम जो है मृदा में पानी डालते हैं। जल और खनिज तत्वों के अवशोषण के लिए जो है वो पेड़ों जो जड़ें हैं उनमें एक विशेष जो है
ऑर्गन पाया जाता है या विशेष जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम मूल रोम कहते हैं। ये हमने देखा था जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी प्लांट्स की, तब हमने देखा था कि मूल रोम होते हैं जो मूल का जो है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अब्सॉर्प्शन के लिए। सो मूल रोम जो है वो पतली भित्ति वाले होते हैं और अवशोषण के लिए जो है व्यापक रूप से जो है क्षेत्र प्रदान करते हैं, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है अब्सॉर्प्शन होगा। सिमिलरली हमारे लंग्स में भी जो एल्वेलाई होते हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं अब्सॉर्प्शन जो ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसफ़र के लिए। सो यहाँ पे भी जो मूल रोम है वो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके रूट्स के थ्रू। सो यहाँ पे एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है तो वो जो जड़ें हैं वो और गहरी गहरी अंदर तक जो है वो जाती रहती हैं, और यहाँ पे दो भिन्न पथों से जो है ये पानी जो है वो गति करता है। एक होता है एपोप्लास्ट पथ और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पथ। सो एपोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल के बिल्कुल निकटवर्ती जो है ये तंत्र है। ये पूरे सेल में जो है पूरे प्लांट में रहता है, लेकिन सिर्फ जो कैस्पेरियन पट्टी है उसको छोड़कर, क्योंकि कैस्पेरियन पट्टी जो है वो सुबेराइज होती है और उससे जो है ये पास नहीं होते हैं जो वाटर वगैरह। सो कैस्पेरियन पट्टी को छोड़ के बाकी का जो भी है ये पूरे पौधे में फैला रहता है, एपोप्लास्ट वाला जो सिस्टम है। सो इसमें क्या होता है कि जो जल है जो पानी है वो उसका मूवमेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली होता है थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है, जो सेल के बीच में जो यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट हैं उनके मदद से जो है यहाँ पे मूवमेंट होता है। सो अंतरकोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति से उत्पन्न होता है ये जो एपोप्लास्टिक परिवहन है। सो एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन जो है वो कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता, यानी उसकी जो है बाहर नहीं जाएगा, ये जो मेम्ब्रेन है उसके। सो ये गति जो ये है जो है गति प्रवणता पर निर्भर करता है, जो मूवमेंट है वो ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। सो एपोप्लास्ट जो है उसमें कोई भी बैरियर नहीं होता है, यानी किसी भी तरह का जो है वो अवरोध या बाधा नहीं डालता है जल के परिवहन में, क्योंकि ये लूजली जो है कनेक्टेड सेल्स है जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इनके बीच में। सो इस वजह से यहाँ पे कोई जो है खास बाधा उत्पन्न होती नहीं है प्लांट जो वाटर मूवमेंट है उसके लिए। तो जल अंतरकोशिकीय के गुहा या फिर वातावरण से वाष्पित होता है और एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह से जो है तनाव उत्पन्न होता है। सो यहाँ पे जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एडहेशन और कोहेशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम करती है यहाँ पे, और इससे जो है ये प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो बना रहता है और मूवमेंट जो है वो चलता रहता है पानी का। दूसरा होता है सिम्प्लास्टिक जो है तंत्र, ये जो तंत्र है वो इंटरकनेक्टेड होता है प्रोटोप्लास्ट से, जो संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है ये अंतः संबंधी। सो यहाँ पे जो पड़ोसी पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनसे ये लड़ी से जुड़ी होते हैं जो कि जीव द्रव्य तंतु तक जो है विस्तृत रूप से ये फैली रहती है, और यहाँ पे जो नेबरिंग सेल्स से है वो एक दूसरे से जो कनेक्टेड रहते हैं स्टैंड से, वो होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा जो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। सो ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है सेल्स में जो है मूवमेंट आगे चलता रहता है। सो इस तरह से जो है ये सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, और एपोप्लास्ट जो है यहाँ से होता है इसके अंदर 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 से, और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है इसको छोड़कर बाकी सब में जो है ये एपोप्लास्टिक वाला मूवमेंट चलता है। सो सिम्प्लास्ट परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकीय के परिवहन से ये जीव द्रव्य जो है तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद क्या होता है कि वाटर जो है वो सेल के थ्रू एंटर करता है सेल मेम्ब्रेन, सेल से जो है वो सेल मेम्ब्रेन में एंटर करता है, और इसका जो मूवमेंट है यहाँ पे रिलेटिवली स्लोअर होता है, यानी धीमा जो है मूवमेंट होता है यहाँ पे। और ये भी जो है अपेक्षाकृत जो है धीमा होता है, और सिम्प्लास्ट परिवहन को कोशिका द्रव्य प्रवाहन सहायता करता है। अब क्या होता है ये हम देख सकते हैं हाइड्रेला की जो पत्तियां हैं उसमें हम आराम से जो है सिम्प्लास्टिक जो मूवमेंट है ये स्ट्रीमिंग जो है वो देख सकते हैं। सो मोस्टली जो वाटर फ्लो है रूट्स में वो होता है एपोप्लास्ट के थ्रू, क्योंकि ये वाले जो इसके कॉर्टिकल सेल्स जो है वो लूजली
पैक्ड रहते हैं। सो वल्कुट कोशिकाएं जो यहाँ पे ढीली गठित होती है, या इसलिए कोई प्रतिरोध जो है ये नहीं करते हैं वाटर मूवमेंट को। सो आराम से जो है पानी जा सकता है। सो वल्कुट की आंतरिक सीमा जो है वो अंतस्थ त्वचा, सीमा अंतस्थ त्वचा पानी के लिए जो है वो अप्रवेश होती है, ये हमने देखा था अभी। वो जो कैस्पियन स्ट्रिप जो है, क्योंकि वो सुबराइज होती है, सो वहाँ से जो है पानी के मॉलिक्यूल्स जो है उस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। सो ये वहाँ से जो है डायरेक्ट उनको भेजा जाता है जहाँ पे नॉन सुबराइज सेल्स हो, वहाँ से फिर ये सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ वापस जो है मूवमेंट शुरू हो जाता है इनका। सो पुनः जो है झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है, और इसके बाद जो है जल सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है ताकि जाइलम कोशिकाओं तक ये पहुंच सके, और जाइलम जो है आगे पानी को लेके चला जाता है ऊपर तक। सो जल की गति जो है मूल रूप से अंतर कोशिका तथा सिम्प्लास्टिक होती है, और यही एक रास्ता जिससे पानी जो है वो और उसके अन्य विलेय जो है वो वैस्कुलर सिलेंडर तक प्रवेश करता है। सो इसका एक डायग्राम भी दे रखा है जो हम आगे देखेंगे। सो एक बार जो है जाइलम के अंदर पानी पहुंच जाता है तो उसके बाद जो है ये पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार करने के लिए ये स्वतंत्र हो जाता है। सो जैसे यंग रूट्स है तो उनमें पानी जो है वो डायरेक्टली आ जाता है जाइलम वेसल्स में, या जो ट्रैकेट्स है उनकी सीधे जो है जाइलम वाहिका और वाहिनियों में प्रवेश करता है। और जीवन रहित नलिकाओं नालियाँ हैं ये जो, और यहाँ पे एक प्रकार के एपोप्लास्ट का हिस्सा भी है ये। सो मूल संवहनी तंत्र में जल तथा खनिज आयनों का मार्ग जो है एक डायग्राम दे रखा है उसके थ्रू जो है शो कर रखा है। तो इसके अलावा भी जो है एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं प्लांट में जो कि हेल्प करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन को, जिनको हम माइकोराइजा कहते हैं। सो माइकोराइजा जो है वो एक कवक है यानी फफूंदी है, और ये जड़ों के साथ जो है सहजीवी संबंध बनाती है। तो ये माइकोराइजा या फिर जो फफूंद है वो नई जड़ों के आसपास जो है एक, जैसे यहाँ जड़ है तो इसके आसपास जो है एक नेटवर्क बना लेगी, और फिर उसके बाद ये इसके अंदर जो है मूवमेंट कर लेगी। अंदर जाने के बाद जो है ये इसका जो हाइफा होता है, जो फंगल हाइफा है, उसमें वो सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ कर देती है, और इनके हाइफा में जो है लार्जर सरफेस एरिया होता है। सो मिनरल आयंस और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो सॉइल से ज़्यादा होता है इनके थ्रू, जो फंगल हाइफे हैं उनके थ्रू। सो इसके बदले जो जड़ें हैं वो माइकोराइजा को शकरा और नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करती हैं, और जो कुछ पौधे होते हैं जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माइकोराइजा की, जैसे कि पाइन, जो चीड़ हैं, जो पाइनस के जो सीड्स हैं वो क्या है जर्मिनेट ही नहीं कर सकते अगर उनमें माइकोराइजा जो है वो प्रेजेंट ना हो। सो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है इनके लिए। सो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, देखो यहाँ से जो है ये रूट हेयर से पानी अंदर आया, ये सिम से प्लास्टिक वे है, यहाँ से होता हुआ ये जाइलम में चला जाएगा और ऊपर की ओर पहुँच जाएगा, और ये एपोप्लास्टिक है जो सेल्स के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहाँ से होता हुआ जा रहा है, और सिम प्लास्टिक जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म से होता हुआ जाता है। सो अब जो है पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन जो है वो कैसे होता है। सो अभी हमने देखा कि पौधे जो है वो जल से, जो मृदा है वहाँ से जल अवशोषण कर रहे हैं, उसके बाद उसको जो है अपने जो वेसल्स हैं, जो ट्रैकेट्स हैं जाइलम वेसल्स वगैरह, उन तक वो पहुँचा रहे हैं, और उनके थ्रू जो है वाटर ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो है अपने आप तो जा नहीं सकता क्योंकि इसमें हमारी तरह जो है हार्ट तो प्रेजेंट है नहीं। सो पंपिंग जो सिस्टम है इसमें क्या है कि किस तरह से जो पानी है वो ऊपर जाता है। सो मूल इसके लिए जो है मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पहला है मूल दाब। सो ये जो मूल दाब है वो होता है कि सॉइल में जो बहुत सारे आयन्स हैं वो एक्टिवली यानी सक्रियता के साथ जो है जड़ों से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वैस्कुलर जो सिस्टम है हमारा वैस्कुलर संवहनी ऊतकों में ये परिवहनित होते हैं, और जल जो वाटर भी इसके साथ ही जो है आयंस लिए तो उसके साथ पीछे पीछे जो है पानी भी आ जाता है, और इससे जो है जाइलम के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। सो जाइलम में जो है दाब बढ़ता है, और ये जो दाब है वो पॉजिटिव होता है और धनात्मक होता है, और इसे ही जो है हम रूट प्रेशर कहते हैं। सो ये जो रूट प्रेशर है वो कम ऊंचाई तक जो है तने में जल को पहुँचाने के लिए उत्तरदायी होता है। सो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से हम देखेंगे, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो अब जो ये
इफेक्टिव प्रेशर जो बना है, रूट प्रेशर बना है, ये हम उसको हम रात के टाइम या फिर एकदम सुबह सुबह जल्दी जो मॉर्निंग का टाइम होता है तब देख सकते हैं, जब इवेपोरेशन जो है वो लो होता है, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तब वो ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो उस टाइम जो है ये लो रहेगा एकदम सुबह के टाइम। तो हम देखते हैं कि जो घास की जो पत्तियाँ हैं उनकी टिप्स पे जो है पानी जमा है, तो ये जो उनकी पानी है ये इस वाटर लॉस हो रहा है ये इन लिक्विड फेज, तो ये होता है बिंदु स्राव या गटेशन कहते हैं इसको हम। सो रूट प्रेशर जो है वो सिर्फ मॉडेस्ट पुश ही देता है, मूल दाब केवल एक साधारण दाब ही प्रदान करता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है। लेकिन इसका जो है एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो ये है कि जब प्रेशर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चेन है वो जब टूट जाता है एनॉर्मस टेंशन या फिर जो ट्रांसपिरेशन से जो टेंशन क्रिएट होती है उसकी वजह से जो ये ट्रांसपोर्टेशन चेन है ये टूट जाती है, तो इसको जो है वापस रीस्टैब्लिश करने में ये मदद करता है। सो ये इसका ये जो व्यापक योगदान होता है कि जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में जो है ये स्थापित रखने में इसकी मदद होती है। सो रूट प्रेशर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, लेकिन ये जो है इसमें मदद ज़रूर करता है कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखने में। सो मोस्टली जो पानी है वो जो ट्रीज हैं उनमें किसकी मदद से जाता है, तो वो होता है जो ये वाष्पोज्जनित खिंचाव है, जो ट्रांसपिरेटरी पुल है, इसकी मदद से जो पानी है वो प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुंचता है। फिर है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। सो ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो है क्या होता है कि अब यहाँ पे हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन वाटर जो है वो ऊपर जाता है जाइलम की मदद से। सो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाई ये जो है रेट अचीव कर सकते हैं, 15 लीटर प्रति घंटे की दर से जो है पानी पहुँचाया जा सकता है। सो ये जो है क्या है कि पानी जो है वो धकेला जाता है या फिर खींचा जाता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो पानी जो है वो खींचा जाता है पौधों के द्वारा। सो जैसे ही जो है ये पानी का जो है खींचा जाता है, और इसकी संचालन शक्ति जो है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया का परिणाम है, क्योंकि पानी वहाँ से जो है इवेपोरेट हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है एक पुल क्रिएट होता है, एक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, और पानी जो है वो जड़ों से ऊपर तक जो है खींचा जाता है पौधों के द्वारा। सो ये जो जल परिवहन का ये क्या है कि संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल है ये। लेकिन अब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये कौन जो है जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो पौधे में जो जल है वो ये क्या है? ये रिलेटेड है कोहेशन टेंशन जो ये ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल है। सो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो जनरेट होता है। सो अब जो पानी है पौधों में वो अस्थाई होता है, क्योंकि पानी अगर उसने 100% पानी मतलब मान लो कि 100 लीटर पानी अब्जॉर्ब किया तो सिर्फ वो 1 ही लीटर यूज़ करेगा, बाकी 99 जो है वो ट्रांसपायर हो जाएगा यानी वो इवेपोरेट हो जाएगा। सो ये प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि के लिए जो है पत्तियों में पहुंचने वाला पानी जो है वो 1% से भी कम जो है वो हो जाता है वहाँ पे। सो पानी की अधिकतर मात्रा जो है पत्तियों में रंध्र द्वारा उड़ा दी जाती है, जो स्ट्रोमेटा है लीव्स में वो उसको ऊपर हो जाते हैं और वहाँ से पानी जो है वो बाहर उड़ जाता है। सो ये जो वाटर लॉस है इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसे हम। सो इसको हम देख सकते हैं कि एक ये एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है यहाँ पे कि पॉलीथीन से पौधे को ढक के रख दो तो उसके अंदर जो है बूंदें बन जाती हैं, उसके अलावा जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है इसका भी जो है कलर चेंज हो जाता है, ट्रांसपिरेशन को इस तरह से जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन किस तरह से होता है। सो ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।